दरअसल पाकिस्तान और चीन सीमा पर हवाई घुसपैठ से मुकाबले की तैयारी कर ली गई। आकाश मिसाइल को 15,000 फीट की ऊंचाई वाले पर्वतीय इलाकों में तैनात किया जाएगा, इस तैयारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। रक्षा मंत्रालय सेना के इस प्रस्ताव को मंजूरी देने जा रहा है। आकाश प्राइम की 2 रेजिमेंट बनाई जाएंगी। रक्षा मंत्रालय करीब 10,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर चर्चा करेगा। 15,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में आकाश मिसाइल सिस्टम की 2 रेजिमेंट तैनात होगी। हाल ही में सूर्यलंका नाम से हुए युद्ध अभ्यास में दूसरी हवाई रक्षा प्रणालियों के साथ आकाश मिसाइल का परीक्षण किया गया था। इस दौरान आकाश ने इजरायली मिसाइल सिस्टम समेत तमाम प्रतियोगियों से बेहतर प्रदर्शन किया था। डीआरडीओ ने 25 और 27 मई को आकाश MK-1S का ओडिशा के चांदीपुर में सफल परीक्षण किया। पीओके में घुसकर आतंकियों को सबक सिखाना अब भारतीय सेना की आदत में शामिल हो गया। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब बारी थी आतंकिस्तान के अंत के 3rd अध्याय। जी हां, यह है नया भारत जो पहले समझाता है और अगर दुश्मन फिर भी न माने तो अपना पराक्रम दिखाता है। यह है नया भारत जो दुश्मनों के प्रोपेगेंडा को दुनिया भर में परास्त करता है और दुश्मनों पर सीधा प्रहार करता है। नए भारत की सेना को एक्शन के लिए सरकार से अनुमति नहीं मांगनी पड़ती, बल्कि दुश्मनों को मिट्टी से मिलाकर सेना देश को खुशखबरी सुनाती है। जी हां, यही सच्चाई है नए भारत। 2014 से सरकार में आने के बाद से ही मोदी सरकार ने सेना सुधार के लिए जो काम किए, ये उसी का नतीजा है कि देश की सेना ने वो कर दिखाया जिस पर देश को गर्व हो सके। मोदी सरकार में सेना को खुली छूट है सोचने की, समझने की, योजना बनाने की और उसे अंजाम तक ले जाने की। अब अपने नागरिकों और जवानों की शहादत पर सेना इंतकाम के लिए इंतजार नहीं करती, बल्कि एक के बदले 10 वाले फॉर्मूले को अंजाम देती है, वो चाहे सेना का कोई भी अंग क्यों ना हो। The political leadership is fully backing us in our action against countering terror in whatever way we wish to do. There are no restrictions put on the manner in which we want to counter terrorism, and therefore there is mutual consultation that goes on regularly between us and the political leadership. We were prepared then, and many of these acquisitions were part of our plan, but we were able to expedite it and add some more critical aspects to it wherever there were shortages. And we will be better prepared next time. जैश ए मोहम्मद का जो अंडरवाटर विंग है, एक वो जो ट्रेन कर रहे हैं इनको, तो ये एक चेंज है, पर हम अब निगरानी रख रहे हैं। नए भारत की सेना अब आक्रामक है, वो सहती नहीं है, समाप्त करने में यकीन रखती है। इसी साल प्रधानमंत्री मोदी ने सेना की इस ताकत को एकजुट करने का बड़ा ऐलान किया था। हमारी पूरी सैन्य शक्ति को एक मुस्त होकर के एक साथ आगे बढ़ने की दिशा में काम करना होगा। जल थल नब्बे से एक आगे रहे, दूसरा 2 कदम पीछे रहे, तीसरा 3 कदम पीछे रहे तो नहीं चल सकता। तीनों एक साथ एक ही ऊंचाई पर आगे बढ़े, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, सामान्य मानवीय की आशा अपेक्षाओं का अनुकूल हो, विश्व में बदलते हुए युद्ध के और सुरक्षा के माहौल के अनुरूप हो। साफ है, पत्थर मारने वालों को मासूम बच्चा नहीं माना जाएगा, अब बंदूक उठाने वालों को भटका हुआ राई नहीं कहा जाएगा। ये नया भारत है, इसके साथ जैसा करोगे वैसा ही भरोगे पाकिस्तान। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।